हाँ जी भी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? हेलो, चेक चेक। यस सर। तो बेटा हमने पिछली क्लास के अंदर हमने एफिशिएंसी पैकिंग पढ़ी थी यूनिट सेल्स की। हमने सिंपल यूनिट सेल की डेरिवेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा सिंपल यूनिट सेल होता है वो कितना परसेंट पैक्ड होता है, 52.4% पैक्ड होता है। फिर हमने बीसीसी नहीं किया था, हमने फेस सेंटर किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा क्रिस्टल है वो 74% जो है वो अप्रोक्सीमेटली पैक्ड होता है। इनकी डेरिवेशन पढ़ी थी। सॉरी, हम अब पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, बीसीसी। तो हमने ये हमारे सिंपल यूनिट सेल की हमने डेरिवेशन करी थी, राइट, जिसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल था और हमने उसके बाद इसकी डेरिवेशन के बाद हमने डेरिवेशन जो थी वो पढ़ी थी आगे जाके एफसीसी की। बीसीसी की हमें अभी डेरिवेशन पढ़नी है। हमने एफसीसी की डेरिवेशन भी हमने करी थी, जिसके अंदर हमने रिलेशन भी फाइंड किया था बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अब हम वापस चल रहे हैं और हम बात करते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अभी इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले इसका डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है, हमने बॉडी के सेंटर में इस क्यूब को दिखाया हुआ है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से इस क्यूब को दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप डायग्राम में उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये हमारा क्यूब है, इसकी साइड्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इसके अंदर मैं थोड़े से डिफरेंट कलर्स के साथ यूनिट सेल्स को प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक तो इसके अंदर पूरी बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल आएगा। तो ये जो यूनिट सेल है ये पूरी बॉडी के सेंटर में है। इसके अलावा ये यूनिट सेल पीछे भी किसी के साथ अटैच्ड है, आगे भी, और यहाँ पे भी वो किसी के साथ अटैच्ड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पोर्शन है ये बेटा नीचे का जो एज है ए, उसके साथ अटैच्ड है, और ये जो पोर्शन है वो पीछे का जो पॉइंट है एफ, उसके साथ अटैच्ड है। तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ए एफ, ये जो ए एफ है बेटा, हम इसको कह रहे हैं बॉडी डायगोनल। और इस बॉडी डायगोनल को हम क्या मार्क कर रहे हैं, सी, जो बेटा किसके बराबर है, 4R के। सर कैसे बेटा, दो तो कॉर्नर में आ गए रेडियस, राइट, और एक हमारे पूरे बॉडी के सेंटर में जो स्फेयर है उसका पूरा का पूरा डायमीटर होगा। तो उस डायमीटर को हमने 2R के हिसाब से कर दिया, तो R प्लस R प्लस R प्लस R।
तो ये हो गया हमारा प्लेसमेंट। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, पूरे बॉडी के सेंटर में हमारे पास एक स्फेयर है, एटम है बेटा, और ये एटम जो दो कॉर्नर्स हमने लिए हैं, एक है बेटा फ्रंट साइड का कॉर्नर ए और एक है बेटा बैक साइड का कॉर्नर एफ, तभी बेटा बॉडी डायगोनल बनता है। इसके अलावा एक और चीज जो हम ले रहे हैं बेटा वो है ए जी। तो यहाँ पे जो बेटा ए जी है वो क्या है बेटा, फेस डायगोनल, और इसको हम क्या ले रहे हैं, बी। तो एज लेंथ हमारी कोई भी जो होगी, बेटा वो क्या होगी, ए। तो ये देखो बेटा, ये हमने एज लेंथ जो है वो क्या ले ली, ए, ठीक है। एंड जो रेडियस ऑफ स्फेयर या एटम है, रेडियस ऑफ स्फेयर और एटम बेटा वो हम क्या लेते हैं, आर। सबके अंदर बेटा हमने ये कॉमनली यूज किया है। तो अब हमारा अरेंजमेंट जरा देखो बेटा, इन राइट ट्रायंगल ए बी जी। तो मैं राइट ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं बेटा, ए बी जी। मैं इसमें कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं कि मैं कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहा हूं। ये देखो बेटा, तो नीचे वाले हाँ, ए, ये वाला बी और ये वाला जी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेटा ये ए बी जी राइट एंगल किस साइड से है बेटा, तो बी बी से। अगर ये बी से राइट एंगल है तो बेटा ए जी जो है वो हमारा हाइपोटन्यूज हो गया, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल बी स्क्वायर प्लस बी जी ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। अच्छा, ए जी को हमने बेटा क्या माना है, बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर। तो बेटा फाइनली बी स्क्वायर जो है बेटा वो किसके बराबर आ गया, टू ए स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं ले रहा हूं एक नया ट्रायंगल। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए जी एफ, इन राइट ट्रायंगल ए जी एफ। तो जरा देखो बेटा, ए जी एफ, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेटा इसके अंदर राइट एंगल वो कहां से होगा। सर जी जी से होगा। जी से होगा। तो अगर वो जी से है बेटा तो ए एफ स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए सर जी ए जी स्क्वायर प्लस जी एफ प्लस जी एफ का स्क्वायर। बेटा ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया बेटा बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए टू ए प्लस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए थ्री ए स्क्वायर। स्क्वायर तो बेटा सी स्क्वायर कितना हो गया, थ्री ए स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर आपको ध्यान हो, मेरे पास सी की वैल्यू भी है, कोई मुझे बता सकता है कि सी की वैल्यू कितनी थी बेटा। फोर आर वेरी गुड, ये रही सी की वैल्यू। नाउ बेटा 4 आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर। ए स्क्वायर तो अगर बेटा मैं आर रूट स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 आर इज इक्वल टू रूट 3 a। थ्री ए इसको आप ऐसे कह सकते हो कि बेटा a इज इक्वल टू 4/3 रूट थ्री आर। ये आर भी याद करना बेटा बहुत जरूरी है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, फॉर बीसीसी। अगर आपको याद हो एफसीसी जब हम कर रहे थे तो उसके अंदर ए की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2√2 आर। जब सिंपल यूनिट सेल हम कर रहे थे जो वैसे कोई पूछता नहीं है, उसमें ए की वैल्यू जो है वो 2 आर है, लेकिन बीसीसी और एफसीसी के केस के अंदर बेटा
ये दोनों वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन हैं इसके ऊपर बेस। अब हम बात करेंगे बेटा एफिशिएंसी पैकेज। एफिशिएंसी पैकेज बेटा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम या स्फीयर, बेटे यहाँ पे आ नहीं रहा तो उसको मैं कट कर रहा हूँ। एफिशिएंसी पैकिंग हम कैसे निकालते हैं? टोटल वॉल्यूम आनी चाहिए, तो नंबर ऑफ स्फीयर या एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। अच्छा बेटा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ स्फीयर, बीसीसी में कुल मिला के बेटा कितने एटम आते? टू। तो बेटा ये आ गया टू। अच्छा वॉल्यूम कितनी होती है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया ए क्यूब इंटू कितना आ गया बेटा 100। तो बेटा 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4/√3r होल क्यूब इंटू 100। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, आप सिर्फ इस वैल्यू को फाइनली कितना लिख दोगे बेटा? 68%। तो बीसीसी जिसके अंदर बेटा कुल मिला के दो एटम्स अकोमोडेट होते हैं, तो वो यूनिट सेल की टोटल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है बेटा? 68%। बाकी जो वॉल्यूम है 32% बेटा वो वॉइड में डिवाइडेड होती है। ऐसे ही बेटा हमने लास्ट क्लास में सिंपल यूनिट सेल की बात करी थी, उसके अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी होती है बेटा? 52.4%, क्योंकि उसके अंदर कुल मिला के एक ही यूनिट सेल आता है, बाकी जो है वो वॉइड में डिवाइड होती है। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर एफसीसी, एफसीसी की वॉल्यूम ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा होती है। सर क्यों बेटा? क्योंकि उसी के अंदर तो चार एटम्स आते हैं, वो कितनी होती है? 74%, और बाकी 26% जो है बेटा वो वॉइड में डिवाइडेड होती है। तो एफिशिएंसी, वॉल्यूम, पैकिंग हमने यूनिट सेल्स की पढ़ी है। तीन यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, एफसीसी और बीसीसी, तीनों में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो बीसीसी और एफसीसी है। आपको याद रखना होगा कि बेटा बीसीसी में कुल मिला के कितने एटम्स आते हैं। प्रिटी सिंपल, बीसीसी, बी से बाय, बाय मतलब टू, एफसीसी, एफ से फेस सेंटर और एफ से फोर, ये चीज। दूसरी चीज जो बेटा आपको याद रखने वाली है वो है ये रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर बीसीसी, फॉर एफसीसी एंड फॉर सिंपल यूनिट सेल। अगेन इसके अंदर भी बेटा एफसीसी बीसीसी का रिलेशन जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि या तो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ए और आर के बिहाफ पे, या अभी जो हम एक टॉपिक करेंगे उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। डेरिवेशन स्कूल में आ सकती है बेटा, पर बोर्ड्स में आज तक कभी नहीं आई और ना ही आएगी, क्योंकि बोर्ड्स में डेरिवेशन केमिस्ट्री में नहीं होती, फिजिक्स में डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। सर ये डेरिवेशन तो आई नहीं हमारे पेपर में अभी तक, तो ऐसी डेरिवेशंस नहीं आई केमिस्ट्री में। मैं कह रहा हूँ बेटा आज तक कभी नहीं आई है बोर्ड में, स्कूल के पेपर में देने को वो दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है बेटा। बोर्ड में खुद कह रहा हूँ कि आज तक कभी नहीं आई, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, क्योंकि केमिस्ट्री में डेरिवेशंस नहीं आती, फिजिक्स में डेरिवेशंस जो है वो जरूर आती है। 99.9% मैं कह सकता हूं कि नहीं आएगी डेरिवेशन। तो आप बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, और कोई किसी का सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं। तो बेटा मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है, और एफसीसी वाला हमने कर लिया है, तो हम जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। ये है एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन, कहते हैं गोल्ड का एटॉमिक रेडियस जो है वो इतना है। तो बेटा एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.144 नैनोमीटर, जो वो कहते हैं कि क्रिस्टलाइज करता है एफसीसी यूनिट सेल के अंदर। तो बेटा फॉर
FCC, बेटा A जो है वो किसके बराबर होता है, 2√2R के। वो कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 × 1.414 × R कितना है बेटा 0.144। आप इसको सॉल्व कर लेते हो, इसकी वैल्यू आपके सामने ही दे रखी है बेटा, वो कितनी आ जाएगी 0.407 नैनोमीटर। ऐसे ही बेटा एग्जैक्टली सिमिलर मिलता जुलता 24th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कहता है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक। जैसे मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था FCCP का मतलब होता है FCC ओनली, जहां पे मेटालिक रेडियस जो है बेटा वो कितना कह रहे हैं 125 पिकोमीटर। तो अगर R इतना है तो A बेटा कितना आ जाएगा 2√2R पिकोमीटर। तो बेटा A कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 FCC। तो बेटा ये आ गया 2 × 1.414 × 1.125 पिकोमीटर। तो बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा ये वैल्यू आती है 353.5 पिकोमीटर। बेटा ये वैल्यू किसकी आती है, A की। अब इसका दूसरा पार्ट भी है बेटा, वो क्या कहता है जरा ध्यान से सुनो, कहता है कितने यूनिट सेल्स होंगे 1 cm³ वॉल्यूम के अंदर। तो बेटा ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में सबसे पहले तो बेटा मैं ये कर रहा हूं कि मैं A की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बेटा 353.5 अगर मैं इसको 10^12 से करता हूं तो बेटा ये किस में चला जाता है, मीटर में। अगर मैं इसको 10^-12 से करता हूं तो बेटा ये मीटर में आ जाता है, और सेंटीमीटर के लिए मैंने क्या किया, इसको 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो बेटा A की वैल्यू कितनी आ गई, 353.5 × 10^-10 cm आ गया। तो टेक्निकली मुझे 10^-10 से करना था, क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10^-12 मीटर के बराबर होता है, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि इट इज 10^-10 cm के बराबर, अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो। अब बेटा ये वैल्यू A की आई है, मतलब ये जो वैल्यू है बेटा वो एज लेंथ की है। मुझे तो बेटा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं, तो जरा ध्यान से देखना बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, तो 1 यूनिट सेल की बेटा वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है, A³। और A³ का बेटा मतलब क्या हो गया, 353.5 × 10^-10 का होल क्यूब अगर आप कर दोगे तो वो वॉल्यूम किस में आ जाएगी बेटा, 1 यूनिट सेल की। तो 1 यूनिट सेल की वॉल्यूम A³ के बराबर होती है, और A की वैल्यू सेंटीमीटर में इतनी है, अगर आपने क्यूब में कर दिया तो वो इतनी आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज अगर 353.5 × 10^-30 cm³ of volume has unit cell, कितने, 1 unit cell, therefore 1 cm³ के अंदर बेटा कितने आ जाएंगे, 1/353.5³ × 10^-30। अगर मैं इसको ऊपर लेके सॉल्व कर लेता हूँ बेटा तो इसका आंसर हमें वहां पे दे ही रखा है 2.25 × 10^23 unit cells आएंगे, सिर्फ 1 cm³ वॉल्यूम के अंदर। सर हाँ जी बेटा,
ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको इसका एक बड़ा अच्छा तरीका बता सकता हूँ बेटा, कि वैल्यूज में वो हेर फेर नहीं करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा आप सीधा वैल्यूज याद कर लो। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा बेटा तो 2 मार्क का आएगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। कराने के चांसेस है सर? नहीं बेटा, बोर्ड में तो नहीं चांसेस है। बोर्ड में तो जो न्यूमेरिकल आएगा वो मैं आपको आज नहीं तो कल की नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा इसको। हाँ जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक को, ये 5 मिनट का टॉपिक है, इसको टॉपिक कराने के बाद इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है जो 3 मार्क का आता है बोर्ड के पेपर में, और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के अंदर भी आएगा ही आएगा। ये परंपरा रही है कि हर साल आता है, ठीक है, और इस साल ये चैप्टर दोबारा ऐड हुआ है तो वो दोबारा आएगा, पर हमें इसको एक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें मैं एक न्यूमेरिकल खुद करूंगा, बाकी मैं आपसे कराऊंगा। तो यही मेन जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट है जिसको मैं अभी स्किप करा रहा हूँ। तो ये हमारे न्यूमेरिकल हो गए, और अब हम बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक का जो हमारे पास इस चैप्टर का है, वो है इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट्स। अब ऑब्वियसली बात है बेटा कि आप जानते हो कि क्रिस्टल जितने मर्जी क्यों ना हो, उनमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी या कोई ना कोई डिफेक्ट तो होते ही होते हैं। परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली वो फेवरेबल कंडीशंस कभी भी नहीं आती कि वो परफेक्ट क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करे। अब आपने देखा होगा कि कुछ डायमंड्स होते हैं जैसे, है ना, अब जब भी कोई क्रिस्टल की बात आती है तो हमारे को हमेशा प्रेशियस स्टोन ही दिमाग में आते हैं। अब चाहे वो रूबी हो, चाहे वो सफायर हो, चाहे वो एमरल्ड हो, चाहे वो डायमंड हो, एंड सो ऑन। बेटा ये क्रिस्टल्स काफी महंगे एक्सपेंसिव बिकते हैं, लेकिन सेम टाइप का डायमंड आप देखोगे आपको वो बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन बेटा उनमें फिर भी जमीन आसमान का फर्क होगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा जिसमें डिफेक्ट्स ज्यादा होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होता है बेटा, और जिसमें डिफेक्ट्स कम होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, उनकी कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क आता है। और कहा जाता है बेटा डायमंड की पहचान पाने के लिए, सीखने के लिए एक इंसान की जो पूरी लाइफ है ना वो भी कम होती है, तो उसके अंदर इतनी सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो a person who has a lot of experience of around about 20-30 years down the line who deals with the diamond and precious stones, उसी को पहचान होती है। हम जैसे आम इंसान को तो डायमंड की कोई पहचान ही नहीं है, राइट? और कुछ लोग तो ऐसे भी रहे हुए हमारे इंडिया के अंदर जिन्होंने नकली डायमंड बना के बेचे हैं लोगों को, उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं। अब आप सभी जानते हैं कि डायमंड मर्चेंट कौन है, क्या है, वो कहाँ से निकले और कहाँ भाग गए बाद में जाके, है ना, हमारे देश का पैसा लेके भाग गए। तो दीस पीपल, हाँ जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? चेक यस यस सर। अच्छा अच्छा बेटा, कोई कुछ कह रहा था, कोई पूछ रहा था? तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमको ये देखना है कि जिन क्रिस्टल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें इम्परफेक्शंस क्या होते हैं और बेटा कैसे आते हैं, जिनको हम इम्परफेक्शंस कहते हैं, पर एक सिंपल टर्म में हम क्या कहते हैं बेटा, डिफेक्ट्स कहते हैं। कहते हैं डिफेक्ट्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब किसी क्रिस्टल के अंदर क्या आती है बेटा, इररेगुलैरिटीज एज कंपेयर टू उसका आइडियल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। अब ये जो डिफेक्ट होते हैं या ये जो बेटा इररेगुलैरिटी है, ये पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है, मतलब एक जगह में एक एटम या ग्रुप ऑफ आयन जो है बेटा वो मिसिंग है, या फिर पूरी की पूरी इंटायर रो जो है बेटा वो मिसिंग है लैटिस पॉइंट्स की, मतलब पूरी की पूरी रो गायब है, जिसको हम बेटा पॉइंट या फिर लाइन डिफेक्ट कहते हैं, राइट? ये जो पॉइंट डिफेक्ट्स बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ये 3 टाइप के होते हैं बेटा, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट,
दूसरे होते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरे बेटा हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो एक एक करके हम अब इन तीनों को पढ़ने वाले हैं, और ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहले आता है बेटा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कहते हैं ये इम्परफेक्शंस होती हैं एक क्रिस्टल के अंदर, जिसके अंदर रेशियो बिटवीन कैटायंस और एनायंस डिफेक्ट के बाद भी सेम रहता है, ठीक है ना, जो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आता है उनको हम कहते हैं बेटा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मैं क्या कहना चाहता हूं कि बेटा अगर एक कंपाउंड है, जरा बेटा ध्यान से देखना मेरी बात, समझने की कोशिश करना, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, A2B3। मैंने इसके 200 मॉलिक्यूल्स लिए बेटा, 200 मॉलिक्यूल्स के अंदर हम देखेंगे, लेट्स सपोज 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो हम देखेंगे बेटा 200 A है और B बेटा कितने हो जाएंगे, 300। तभी तो बेटा रेशियो 2:3 आया। लेकिन अब इसमें किसी रीजन की वजह से बेटा क्या आ गए, डिफेक्ट, और उस डिफेक्ट की वजह से 4A हट गए। अगर बेटा 4A हट गए तो A कितने बच गए, 194। और ऐसे 4A हटे कि 4A की वजह से 6B हट गए, तो ये आ जाएगा बेटा 294। आपको पता, अगर आप 196 और 294 का रेशियो निकालोगे तो बेटा वो क्या आएगा, 2:3। मतलब डिफेक्ट से पहले भी रेशियो कितना आ रहा है, 2:3, और डिफेक्ट के बाद भी रेशियो बेटा कितना आ रहा है, सेम। ऐसे डिफेक्ट्स को बेटा हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मेरा पॉइंट समझ में आया बेटा, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, एक बार दोबारा सर ब्रीफली एक बार दोबारा बता दो। यस, मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला है A2B3। इसके मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स है। आप तो मार्केट से जाके आपने कहा कि भाई मुझे 100 मॉलिक्यूल्स A2B3 के दे दो। आप सोच के बैठे हो, जिसमें ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। आप सोच के बैठे हो, अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लेकर आऊंगा तो मेरे पास 200 एटम्स ए के होंगे और 300 एटम्स जो है वो बी के होंगे, तभी तो रेशियो 2:3 आएगा। लेकिन आपको क्या पता था कि लाते समय आपसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से ये क्रिस्टल क्रैक हो गया, या बनाते समय इसमें डिफेक्ट आ गए और 4A गायब हो गए। अगर 4A गायब हो गए तो A कितने बचे, 196। और अगर 4A गायब हुए तो ऑटोमेटिकली 6B गायब हो गए, तो वो कितने बचे, 294। तो अगर आप 196 और 294 के बीच में रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो दोबारा कितना आता है, 2:3। मतलब ये तो डिफेक्ट की वजह से हुआ ना। अब आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स के हिसाब से कुछ A कम है और कुछ बी कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटा आप मार्केट से जाके उनको कहते हो कि सर हमें 1 kg दाल दे दीजिए, पल्सेस दे दीजिए। जब आप 1 kg दाल लेकर आते हो तो एक्चुअली में आपको 98 से लेके 99% जो दाल मिलती है बेटा वो प्योर होती है। बाकी 1-2% उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इम्प्योरिटीज। तो दाल प्योर थोड़ी ना मिली आपको, आप साफ करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई भी चीजें आती है तो उनको पहले हम क्लीन करते हैं, वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं। डिफेक्ट का मतलब है इनके अंदर इम्प्योरिटीज है। तो 1 kg दाल में आई डाउट के मेरे हिसाब से 990 ग्राम दाल सही होगी, बाकी 10 ग्राम या 5 ग्राम जो है लोग उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं। हालांकि हर कंपनी कोशिश करती है कि ये चीजें कम हो, पर ये कुछ भी रीजन की वजह से हो सकती है। मे बी ऑर्गेनाइजर जो है इस सेज कि नहीं, कि नो आई गिव द बेस्ट दाल इन द कंट्री, बट जो पैक करने वाले होते हैं उनसे गलती हो सकती है। तो बट जो भी है, आपने तो 1 kg की कॉस्ट दी, पर उसमें से आपको मिल क्या रही है, 990 ग्राम प्योर, बाकी इम्प्योरिटी है।
तो ऐसे ही बेटा क्रिस्टल्स में भी इम्प्योरिटी होती है। अब इम्प्योरिटी क्या है, आपने तो 100 मॉलिक्यूल्स के पैसे दिए है ना, हम थोड़ी ना देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल हैं, बट जनरली हमने 100 मॉलिक्यूल के पैसे दिए, पर उसने बनाते समय गलती कर दी जिसकी वजह से कुछ ए मिसिंग हो गए, कुछ बी मिसिंग हो गए, लेकिन दोनों जो बचे हैं उनका रेशियो फिर भी 2:3 आ रहा है। तो डिफेक्ट से पहले रेशियो 2:3 है और डिफेक्ट के बाद भी रेशियो क्या है, 2:3। तो ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं जो ऐसा डिफेक्ट शो करते हैं उनको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब डिफेक्ट के बाद भी उनका रेशियो जो है वो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है जो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जैसा है। ऐसों को इंट्रेंसिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स की वजह से आते हैं। और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो किन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। आई रिपीट, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स किन में एग्जिस्ट करते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर। और ये दो टाइप के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट्स, जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं। आई होप इसमें से कुछ कॉपी करने लायक तो नहीं है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। हटा दूं ये सब? तो सबसे पहले आ गया बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। कहते हैं जब एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कुछ लैटिस साइट्स जो है वो खाली पड़ी है, तो अगर लैटिस साइट मतलब जहां पे क्रिस्टल का एटम या आयन आना चाहिए वो खाली पड़ा है, तो इसलिए उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभार वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके बॉन्ड तोड़ देता है, और अगर जगह खाली पड़ी होगी तो क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ये देखो बेटा, ये एक क्रिस्टल था, देखो एटम आ रहा है, एटम आ रहा है, एटम आ रहा है, लेकिन एटम नहीं आ रहा, इसे कहते हैं बेटा लैटिस साइट। ये लैटिस साइट जो है बेटा खाली पड़ी है। अब लेट सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, नहीं यहाँ पे फिर वो नहीं आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब देखो एक बी मिसिंग है, एक ए मिसिंग है, रेशियो क्या है इसका, ए बी, पर एक दोनों मिसिंग है तो उसके बाद भी इसका रेशियो जो है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ए बी, बट उतने ही वॉल्यूम में, वॉल्यूम इज सेम पर मास कम हो गया ना, क्योंकि वो एटम है ही नहीं वहां जब, इसलिए बेटा डेंसिटी जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा वैकेंसी डिफेक्ट का? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वैकेंसी, इंटरस्टीशियल, फ्रैंकल, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये आएंगे ही आएंगे, 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स जरूर आएंगे ये पेपर के अंदर एज अ थ्योरी पार्ट। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट ये वाला? आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो आता है बेटा वो कौन सा है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। कहते हैं ये कब आता है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फालतू प्रेजेंट होता है इंटरस्टीशियल साइट्स के अंदर। अब उतने ही स्पेस में अगर कोई चीज फालतू है तो बेटा क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। कैसे, जैसे ये देखो बेटा, हर जगह एटम हमारा आ रहा है लेकिन दो फालतू एटम जो है वो खाली जगह पे आ गए, तो बेटा उतनी ही वॉल्यूम तो सेम रही पर मास इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी जो है बेटा वो क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो वो कहाँ पे आते हैं, इंटरस्टीशियल साइट के अंदर। यस सर, यस सर। हमारे जो है वो क्या आते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जो किसके लिए होते हैं बेटा,
नॉन आयनिक कंपाउंड्स थे। तो अभी जो हम स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे थे वो किसके लिए पढ़ रहे थे? नॉन आयनिक के लिए, सॉरी। अब हम किन के लिए पढ़ रहे हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा शॉटकी डिफेक्ट। एंड मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जरा इस डायग्राम में देखिए बेटा। अब सिंस ये आयनिक है तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स आएंगे। उन आयन्स को देखो बेटा, हमने यहाँ पे शो करा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट आ रहे हैं। कहते हैं अगर किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर, जिसका टाइप है फॉर्मूला ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस जो है वो मिसिंग हो अपनी लैटिस जगह पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहेगी लेकिन क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो पहले से क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ये देखो बेटा, इस डायग्राम को देखो, इसके अंदर दो आयन्स मिसिंग हो गए। देखो यहां से पॉजिटिव मिसिंग हो गया और इस जगह से कौन मिसिंग हो गया? नेगेटिव, राइट। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूट्रलिटी में, स्पेस उतना ही है, आयन मिसिंग है, डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। कौन से कंपाउंड्स शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं? उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है और जिनके कैटायन और एनायन के साइज के बीच में डिफरेंस कम होता है। NaCl, KCl, KBr, AgBr, CsCl, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है AgBr, अभी बताऊंगा क्यों। दूसरा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है बेटा शॉटकी के बाद, वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके अंदर आयन जो है अपनी जगह छोड़कर, आई रिपीट, अपनी जगह छोड़कर खाली जगह में चला जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो है वो भी बेटा क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। सर कैसे? ये देखो बेटा, ये मेरे पास क्रिस्टल है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हुआ क्या कि एक जो था पॉजिटिव अपनी जगह छोड़कर खाली जगह में आ गया। अब जब बेटा वो अपनी जगह छोड़ेगा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, वहां पे क्या क्रिएट होगी? वैकेंसी। और खाली जगह पे आ गया तो बेटा उसने क्या ऑक्यूपाई कर ली? इंटरस्टिशियल, है ना। इसीलिए बेटा हम इसको कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि आयन जो है अपनी पोजीशन छोड़कर किसी और जगह पे लोकेट हो गया है। कहते हैं इस केस में यूजुअली कैटायंस जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, क्योंकि कैटायंस का साइज एनायन से छोटा होता है और ये कैटायन जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है। अब सिंस स्मॉलर आयन है तो डिसलोकेटेड हो गया अपनी नॉर्मल जगह से, तो इसको इसलिए वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करता है। और ये एक कॉमन एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन किसका? वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। तो फ्रैंकल जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस केस में डेंसिटी जो है वो क्या रहती है? सेम, क्योंकि आयन अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही है। कौन शो करता है? जिन कंपाउंड्स के अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और जिनके कैटायन और एनायन के बीच में साइज जो होता है डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। मैं बता रहा था कि AgBr सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि वो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। आई होप समझ में आ गया बेटा आपको ये सब। तो जो बेटा हमारे अगले जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट क्या होते हैं मैं बेटा पहले आपको समझा दूं। अब अगेन हमारे पास एक क्रिस्टल है, लेट्स सपोज, जिसका फॉर्मूला है A2B3
और हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए। अगर मैं इसके 100 मॉलिक्यूल्स लूंगा तो बेटा जाहिर सी बात है 200 एटम्स ए के होंगे और बी के बेटा 300 एटम्स होंगे, तभी तो रेशियो 2:3 आया। लेकिन किसी रीजन की वजह से इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, जिसकी वजह से बेटा इस बार 4 ए गायब हो गए। अगर बेटा 4 ए गायब हो गए तो रेशियो, सॉरी ये नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 196 आ जाएगा। और 4 बी भी गायब हो गए तो बेटा ये रेशियो कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई, 296। अब इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो बेटा 2:3 नहीं रहा, मेरे हिसाब से इनका जो रेशियो है वो 2:2.9 के आसपास आ जाएगा। रेशियो खराब हो गया, इसीलिए बेटा इसको कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि अब रेशियो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैच नहीं करता। और ऐसे बड़े सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमने लैंथेनाइड्स में पढ़े थे जिनमें रेशियो ऐसा नहीं आता। अगर आपको याद हो लैंथेनम हाइड्राइड, लैंथेनम ट्राइहाइड्राइड, लेकिन असली जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें लैंथेनम लिखा होता है 2.6 के आसपास, सॉरी 2.6 के आसपास। तो ये जो 2.6 का कॉन्सेप्ट है ये कैसे आ रहा है, देखो इसमें रेशियो कितना है 1:2, इसमें रेशियो कितना है 1:3, पर वो जो रेशियो दिखा रहा है कंपाउंड में वो कितना है 1:2.6। क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा इसके अंदर कुछ लैंथेनम प्लस 2 है और इसके अंदर कुछ लैंथेनम प्लस 3 है, मतलब रेशियो फॉर्मूले से मैच नहीं करता। उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स और उनके डिफेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। कहते हैं अगर रिजल्ट इम्परफेक्शन का क्रिस्टल के अंदर ऐसा हो कि रेशियो कैटायंस और एनायंस का डिफरेंट हो जाए फ्रॉम दैट जो आइडियल केमिकल फॉर्मूले में इंडिकेटेड होता है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसके अंदर मेटल ज्यादा होगा, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मतलब जिसके अंदर मेटल कम होगा। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो फर्दर दो टाइप का होता है बेटा, एक जिसके अंदर एनायन वैकेंसी हो, मतलब एनायन की जगह खाली हो, और दूसरा होता है कि जिसके अंदर कैटायन एक्स्ट्रा हो। तो कुल मिला के ये ए, ये बी और ये बेटा कितने हो गए सी, तो ये टोटल मिला के नॉन स्टोइकोमेट्रिक 3 डिफेक्ट्स आते हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब इसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये कैसे आता है जरा देखो बेटा, पहला है बाय एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन कम होगा। कहते हैं अगर कोई नेगेटिव आयन अपनी जगह से मिसिंग हो फ्रॉम द लैटिस साइट, जिसकी वजह से एक खाली जगह हो जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर ले, जिसकी वजह से न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, बैलेंस। अब बेटा मैं डायग्राम से इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इन रियलिटी में ये होता क्या है। ये देखो बेटा, मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसके अंदर लैटिस साइड पे Na पॉजिटिव आता है, फिर Cl नेगेटिव आता है, फिर Na पॉजिटिव आता है, फिर Cl नेगेटिव आता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लेकिन हुआ क्या कि जब मैंने इस क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स के अराउंड, सोडियम के गैशियस एटम के साथ हीट करना शुरू किया, तो एक सीएल नेगेटिव आयन अपने जगह को छोड़कर बाहर के सोडियम के साथ कंबाइन कर गया। आई रिपीट, मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं, ठीक है, आप इस सीएल नेगेटिव पे अपनी नजर रखना। मैंने इस क्रिस्टल को सोडियम के वेपर्स में हीट किया, ये सोडियम के वेपर्स हैं और आप देख सकते हैं मैं इसको क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं।
ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, और इस क्रिस्टल के सराउंडिंग में बेटा सोडियम के एटम्स है हवा के अंदर। तो ये जो Cl नेगेटिव है वो हीट की वजह से, मान लो बेटा ये बॉन्ड टूट गया, वो हीट की वजह से ये बॉन्ड टूट गया और ये Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़कर फ्री हो गया, बाहर चला गया। बाहर चला गया वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये NaCl बन गया, जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो इसकी जगह पे आ गया। अब आप देखो बेटा न्यूट्रलिटी तो वैसी की वैसी ही रही, जितना पॉजिटिव आयन है उतना नेगेटिव आयन है। डिफेक्ट से पहले NaCl का रेशियो था 1:1, डिफेक्ट से पहले, लेकिन अब जरा NaCl का रेशियो देख लो, एक Na, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ Na है, और अब Cl कितने हो गए बेटा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, तो रेशियो जो है वो कितना हो गया, 1:0.something आ गया। तो रेशियो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि पहले रेशियो क्या था बेटा, 8 Na के साथ 8 Cl थे, तभी तो रेशियो 1:1 आ रहा था, लेकिन अब रेशियो जो है वो बिगड़ गया, डिस्टर्ब हो गया। इसे कहते हैं मेटल एक्सेस है। मतलब क्या एक्सेस है, मेटल एक्सेस है, लेकिन किसकी वजह से, ड्यू टू एनायन कम होने की वजह से। मेटल जो है वो ज्यादा है, क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि एनायन कम हो गया। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में, भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और एक स्टूडेंट है उसके पास भी 10 रुपए हैं। अब दो तरीके से मेरे पास पैसे ज्यादा हो सकते हैं, माय मनी इज मोर इन टू वेज, या तो आप 1 रुपी स्पेंड कर दो, या फिर मेरे पास 1 रुपी फालतू आ जाए और आपके पैसे उतने के उतने रहे, है ना। तो मेरे पास दो तरीके से पैसे ज्यादा हो सकते हैं, या तो आप पैसा खर्च कर दो तो मेरे ज्यादा हो गए, या फिर मुझे कोई फालतू पैसे दे दे तो मेरे ज्यादा हो जाएंगे, आपके उतने के उतने रहेंगे। तो मैं वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसमें पहले जितने Na पॉजिटिव थे उतने Cl नेगेटिव थे, लेकिन डिफेक्ट की वजह से Cl नेगेटिव पहले से कम हो गए, तो रेशियो 1:1 नहीं रहा। हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी की पूरी क्या रही, बैलेंस रही। ऐसी जगह बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसको हम कहते हैं फार्ब सेंटर, जिसको हम प्यार से कहते हैं बेटा एफ सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर, राइट। तो फार्ब सेंटर का मतलब होता है बेटा कलर सेंटर, तो हम इसको एफ सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कलर सेंटर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इन क्रिस्टल्स का कलर आता है। और हम सब जानते हैं कि NaCl को अगर आप हीट करोगे तो उसका कलर जो है बेटा वो येलो आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जो एनर्जी रिलीज करता है उसकी वेवलेंथ येलो रीजन में फॉल करती है। तो दिस इज द रीजन सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वो येलो कलर का होता है। हम वापस थ्योरी में जाते हैं। तो कहते हैं जो साइट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है एनायन वैकेंसी में, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर या फार्ब सेंटर, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम NaCl को हीट करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर,
तो एक्सेस सोडियम एटम जो है वो क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिस वजह से क्लोराइड आयन डिफ्यूज करके सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो एक Na एटम से कंबाइन करके, ठीक है ना, Na को आयोनाइज कर देता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कलर क्या आता है, येलो। एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर आप लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को लिथियम वेपर में हीट करोगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा बेटा, पिंक। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल के को हीट करोगे पोटेशियम वेपर में तो बेटा कलर क्या आ जाएगा, वायलेट। ये डिफेक्ट शॉटकी से मिलता जुलता है, ठीक है ना, क्योंकि शॉटकी में भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं जिसके अंदर चार्ज तो मेंटेन रहता है पर आयन कम हो जाते हैं। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी हो इसके अंदर? नेक्स्ट जो हमारे पास डिफेक्ट आ रहा है बेटा इसके अंदर, नॉन स्टोइकोमेट्रिक के अंदर, इस बार केटायन एक्स्ट्रा है, कहां पे, खाली जगह के अंदर, तभी इसको बेटा कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा केटायन होता है जो खाली जगह ऑक्यूपाई करता है। कैसे, ये देखो बेटा, मेरे पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है बेटा। जिंक ऑक्साइड के अंदर अगर आप देखो रेशियो कितना आता है, 1:1। अब आप चेक कर लो बेटा कितने जिंक एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेटा, 8 जिंक है आयन, और बेटा 8 जो है वो ऑक्सीजन के आयन है, तो बेटा रेशियो कैंसिल होके कितना आ गया, 1:1। मैंने क्या किया, इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। अब अगर बेटा हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ इंटरैक्शंस, जो कुछ बॉन्डिंग है वो बेटा क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो जब मैं इस क्रिस्टल को हीट कर रहा था तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ब्रेक हो गए और ये वाला जो ऑक्सीजन है क्रिस्टल के लैटिस को छोड़कर बाहर आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किए हुए हैं, ये वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के लैटिस में ही छोड़ के आ जाता है और ये ऑक्सीजन एटम की फॉर्म के अंदर आके उड़ गया। ये देखो एटम बन गया ना, ये उड़ गया। सर ऑक्सीजन एटम तो उड़ता ही नहीं है बेटा, एक्चुअली में जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो बेटा वो एक जिंक आयन बनाएगा, साथ में वो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, लेकिन मैंने उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं बैलेंस कर सकूं, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये देखो बेटा, ये रहा वो 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा वो 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वाला ऑक्सीजन एटम आपने देखा बेटा वो अभी उड़ के बाहर चला गया, ये रहा एयर में चला गया। सर ये वाला जिंक कहाँ है बेटा, ये वाला जिंक साथ वाला पड़ोसी जिंक है जो टूट के इधर आ गया। ये देखो बेटा, ये वाला जिंक जो है वो कहाँ पे आ गया, इधर आ गया इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो बेटा क्रिस्टल के अंदर आयंस वही काउंट होते हैं जो लैटिस साइट पर आते हैं। अब आप देखो बेटा, जिंक आयंस कहां पे, ऑन लैटिस साइट, कितने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस एक जिंक आयन जो है वो कहां पर है बेटा, इंटरस्टिशियल के अंदर। तो कुल मिला के कितने हो गए, 7 + 1 कितने हो गए, 8। लेकिन बेटा ऑक्सीजन कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो कुल मिला के O- बेटा कितने हो गए, 7। तो बेटा कौन एक्स्ट्रा है, कौन फालतू है बेटा, केटायन एक्स्ट्रा है। सर क्यों, क्योंकि बेटा वो इंटरस्टिशियल साइट पर एक फालतू प्रेजेंट है,
इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैटायन, या इसको हम कैसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आ गया? तो इसके अंदर हमारे पास कैटायन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। समझ में आ गया बेटा ये पार्ट? कोई चीज किसी को पूछनी हो इसके अंदर? एक बार बेटा हम दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसके अंदर एक कैटायन जो है बेटा एक्स्ट्रा है इंटरस्टीशियल साइट के अंदर, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मेटल है बेटा कैटायन जो है वो इंटरस्टीशियल साइट खाली जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरे पास एक क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का। अगर आप इस क्रिस्टल को देखो तो ये परफेक्ट है, इसके अंदर 8 जिंक के एटम आयंस है, 8 ऑक्सीजन के आयंस है, जिसकी वजह से बेटा रेशियो जो है वो कितना आ गया, 1:1। ये हो गया बेटा परफेक्ट क्रिस्टल। ठीक है, नाउ हमने इसको बेटा हीट किया, क्योंकि थर्मोडायनामिकल कंडीशंस तो बेटा हीट की होती हैं। अब यूजुअली जब हम हीट करते हैं तो बेटा हीट से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करते हैं, तो बेटा हीट से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन जो है, इनफैक्ट जो ऑक्साइड है उसके इंटरैक्शंस ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से ये फ्री हो गया और ये बाहर आ गया। बाहर आते ही इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, कहते हैं मुझे आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। एक इलेक्ट्रॉन दिया इंटरस्टीशियल साइट में चला गया, तो उस पर O2- से O- बच गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो ये O- से क्या चला गया बेटा, क्या हो गया, O2 हो गया, सॉरी O हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ गए बेटा, इंटरस्टीशियल साइट के अंदर आ गए। ठीक है, मतलब न्यूट्रलिटी बरकरार रही और ये ऑक्सीजन चला गया। सर आपने ऑक्सीजन के एटम को कैसे उड़ा दिया? बेटा ऑक्सीजन का एटम नहीं उड़ता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उड़ता है, क्योंकि ब्रेक एक मॉलिक्यूल हुआ। जब ये एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ तो उसने जिंक आयन भी दिए और एक ऑक्सीजन का एटम भी दिया। बेटा जब मैं हाफ O2 लिखता हूं तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन का एटम, ये रहा बेटा वो एक ऑक्सीजन का एटम। अच्छा सर वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये रहे वो दो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए थे, एक मैंने यहां दिखा दिया बेटा, एक मैंने आपको यहां दिखा दिया जो इंटरस्टीशियल साइट है। सर जो इस ऑक्साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग जिंक आयन था वो कहां चला गया? अब बेटा वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर कहां चला गया, इंटरस्टीशियल साइट में चला गया। क्रिस्टल वो होता है जिसके लैटिस साइट में आयंस होते हैं। After defect, zinc ion, lattice site में कितने हैं बेटा, 7। Interstitial site में कितने हो गए बेटा, 1। Oxide ion सिर्फ lattice site पे है और बेटा कितने हैं, 7। पहले दोनों 8 और 8 थे, लेकिन अब जो जिंक ऑक्साइड है उसमें वो कितना हो गया बेटा, 8:7, तो रेशियो खराब हो गया बेटा। अब ये रेशियो खराब इसीलिए हुआ क्योंकि क्रिस्टल के अंदर फालतू कौन है बेटा, कैटायन। सर कौन सा कैटायन फालतू है, जिंक कैटायन। सर कैसे, क्योंकि बेटा वो कहां पर आ रहा है, इंटरस्टीशियल साइट पे आ रहा है। जो चीज लैटिस साइट पे आती है वो क्रिस्टल का पार्ट होती है, लेकिन जो चीज इंटरस्टीशियल साइट पे आएगी बेटा वो फालतू होती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा अ डिफेक्ट अरिजन ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, जो कहाँ पे ऑक्यूपाई होता है बेटा, इंटरस्टीशियल साइट में होता है, उसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। आया बेटा समझ में? यस।
तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर जिसमें हमने डिफेक्ट्स शुरू करे स्टार्ट करे पढ़ने समझ में आया और अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा समझ में आया तो बेटा इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने डाउट्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो हम आपको ज़रूर रिवर्ट करेंगे विद वेदर इट्स अ क्वेश्चन इट्स अ टॉपिक या इट्स अ चैप्टर। और अगर हमें लेक्चर भी बनाना पड़े तो हम उसके लिए ज़रूर एक लेक्चर भी बनाएंगे। और अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसमें आपको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट्स जो है वो चैप्टर्स के मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर एंड वी विल मीट सून विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर स्टडी हार्ड एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।